अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। वालिद की ख्वाहिश थी इलाज सरकारी हस्पताल में हो बेटा अहसन इकबाल। वफाकी वज़ीर दाखला अहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने कहा है कि वालिद ने अपना इलाज सरकारी हस्पताल से रुकवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, इसलिए हम उनका इलाज सरकारी हस्पताल ही में करवाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अहमद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि डॉक्टरों ने उनकी सेहत बेहतर करार दे दी है। उन्हें नॉर्मल गुजार लेने और कमरे में हल्की चहलकदमी करने की भी इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि वालिद की ख्वाहिश थी कि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएं, इसलिए हमने उनका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाने का फ़ैसला किया है। अहसन इकबाल के बेटे ने बताया कि कल मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगी और कल हो सकता है कि अहसन इकबाल को मीटिंग की इजाज़त दे दी जाए। डॉक्टरों ने फैसला किया कि गोली जिस्म के अंदर ही रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कल के मुआयने के बाद पीर को डॉक्टर इस हवाले से मीटिंग भी करेंगे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल नारोवाल में एक तकरीब में शिरकत से वापसी पर अहसन इकबाल पर कातलाना हमला में ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।